मगरमच्छ एक ऐसा खतरनाक जानवर जिसका सिर्फ नाम सुनते ही आंखों के सामने खौफनाक राक्षस की तस्वीर उभर आती है। किसी भी जानवर का शिकार करने और उसे तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारने में बड़ा मजा आता है। ऐसे में अक्सर इन्हें देखकर किसी भी इंसान के जहन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है और वो ये कि आखिर ये शिकारी इतने आक्रामक क्यों होते हैं। तो आइए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको मगरमच्छ से जुड़े उन तमाम पहलुओं से रूबरू कराएंगे जिसकी वजह से इनकी गिनती दुनिया के टॉप शिकारी जानवरों में की जाती है। इसके साथ ही हम आपको मगरमच्छ के कुछ ऐसे खतरनाक अटैक्स भी दिखाएंगे जिसे देखकर आप ये भली बात ही समझ जाएंगे कि आखिर ये क्रोकोडाइल इतने खतरनाक क्यों होते हैं। पानी के साम्राज्य में अपनी हुकूमत चलाने वाले मगरमच्छ का एनिमल किंगडम में एक अलग ही रुतबा होता है, क्योंकि इनके हंटिंग स्किल और किसी भी जानवर को अपना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर बनाने की सारी चालबाजी इनके अंदर मौजूद होती है। ऐसे में बात जब इनके भूखे पेट पर आती है तो ये चालबाज शिकारी किसी भी हद से गुजर जाते हैं। फिर चाहे वो कोई दूसरा जानवर हो या फिर अपनी ही प्रजाति का कोई मगरमच्छ, ये उनकी जान लेने से जरा भी नहीं हिचकते। यही कारण है कि जब ये अपने शिकार की तलाश में घात लगाते हैं तो उनके वार से शायद ही कोई शिकार बच पाता है। पानी के अंदर किसी भी जीव से भिड़ने की ताकत रखने वाले इन मगरमच्छों की बाइट फोर्स लगभग 3700 PSI की होती है। इतना ही नहीं, लंबाई में करीब 20 फीट तक बढ़ने वाले इन मगरमच्छों का वजन करीब 1 टन से भी अधिक हो सकता है। इनके गले के पीछे एक वॉल्व होता है जिसकी मदद से ये अपने जबड़े को आसानी से खोल सकते हैं और अपने शिकार को एक ही वार में अपने नुकीले दांतों के बीच में बड़ी ही आसानी से फिट कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है स्पीड की, तो ऐसे में इनकी रफ्तार और अटैक करने की क्षमता बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। हालांकि जमीन के ऊपर ये काफी सुस्त होते हैं, क्योंकि जमीन के ऊपर इनकी स्पीड लगभग 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और इस स्पीड को भी ये महज कुछ ही दूरी तक मेंटेन रख पाते हैं, क्योंकि भारी वजन के कारण ये ज्यादा दूरी तक नहीं चल पाते और थक कर रुक जाते हैं। लेकिन जब बात पानी के अंदर की होती है तो जमीन के ऊपर बिल्कुल सुस्त से दिखने वाले ये महारथी जैसे ही पानी के अंदर आते हैं तो मानो इनके शरीर में जैसे अचानक संजीवनी बूटी का संचार हो जाता है और इनकी रफ्तार जमीन के मुकाबले लगभग दोगुनी हो जाती है, क्योंकि मगरमच्छ पानी के अंदर लगभग 32 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस खतरनाक शिकारी का बसेरा जिस इलाके में होता है वहाँ इनका कंट्रोल काफी जबरदस्त होता है। एक छोटी सी आहट भी इन्हें आने वाले शिकार के लिए आगाह कर देती है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन मगरमच्छों के पास कमाल का नाइट विजन भी होता है जो इन्हें रात में भी शिकार करने में पूरी तरह से पारंगत बनाता है। अपने इस बेहतरीन नाइट विजन का फायदा उठाकर ये उन जानवरों को बड़े ही आसानी से अपना डिनर बना लेता है जिन्हें रात के समय ये कम दिखाई देता है। वैसे इतिहास में झांक कर देखें तो प्राचीन काल से ही ये जीव आकार में काफी बड़े हुआ करते थे। हालांकि समय के साथ साथ इनका आकार भले ही छोटा होता चला गया, लेकिन किसी भी शिकार को अपने मजबूत जबड़े में फंसाने और चबाकर उसका कचूमर निकालने की इनकी क्षमता आज भी बरकरार है। यही कारण है कि ये बड़े से बड़े ताकतवर जानवरों को भी अपने जबड़े के अंदर बड़े ही आसानी से चबा सकते हैं, फिर चाहे वो किसी पत्थर के समान मजबूत खोपड़ी वाला कछुआ ही क्यों ना हो। इतना ही नहीं, क्रोकोडाइल अपने शिकार पर बेहद ही चालबाजी और रणनीति के साथ हमला करते हैं। ये बिना किसी हलचल के पानी के अंदर दूर से ही घात लगाए बैठे रहते हैं और जैसे ही इनका टारगेट करीब आता है ये उसके ऊपर पूरी ताकत के साथ टूट पड़ते हैं, जिसके बाद अपने मजबूत जबड़े से शिकार के शरीर को दबाने के लिए ये उस पर करीब 200 किलोग्राम का प्रेशर डालते हैं। मछली के अलावा कई बड़े जानवरों को बड़ी ही बेरहमी से अपना शिकार बनाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है इन क्रोकोडाइल्स की भूख, क्योंकि एक दिन में ये करीब 5 से 7 किलोग्राम तक मांस खा जाते हैं। यही वजह है कि कई बार तो आलम ये होता है कि भूख नहीं लगने के बावजूद भी अपने आदत से मजबूर ये मगरमच्छ पानी में आए शिकार के ऊपर हमला कर ही देते हैं। इनके इस खतरनाक प्रवृत्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां एक ओर ये मछली और कछुए को तो अपना निशाना बनाते ही है, वहीं दूसरी ओर अगर इनके सामने कोई जीब्रा या बड़ा भैंसा भी आ जाए तो उन्हें भी अपना शिकार बनाने से परहेज नहीं करते। इतना ही नहीं, जंगल के राजा कहे जाने वाले शेर भी अगर इनके इलाके में अपनी प्यास बुझाने पहुँचते हैं तो ये मगरमच्छ उनके ऊपर भी खतरनाक तरीके से हमला कर बैठते हैं और कई बार तो ये राजा का बाजा बजाने से भी नहीं चूकते। वही अगर इनके एवरेज लाइफ की बात करें तो एक मगरमच्छ आमतौर पर लगभग 30 से 40 साल तक जीवित रह सकता है, जबकि बड़ी प्रजातियों में इन मगरमच्छों का जीवन काल करीब 60 से 70 साल तक का होता है।
लेकिन इन सारी बातों के बीच सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक मगरमच्छ जिंदा रहते हैं, बड़े ही खतरनाक तरीके से अपने शिकार को अंजाम देते हैं। गाइस, अब ये तो हुई मगरमच्छ के कई सारे बेहद ही अद्भुत फीचर्स की बात, लेकिन इस वीडियो में आइए अब हम आपको क्रोकोडाइल के कुछ ऐसे बेहद खतरनाक हमलों से रूबरू कराते हैं, जिसे देखकर आप इस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि मगरमच्छ को पानी की दुनिया का सरताज यूं ही नहीं कहा जाता है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि पानी की दुनिया में अपनी रंगबाजी के दम पर राज करने वाले क्रोकोडाइल खतरनाक शिकारियों में से एक है, लेकिन रफ्तार के शहंशाह कहे जाने वाले चीता भी किसी मामले में कम नहीं होते, क्योंकि जब ये अपने टॉप स्पीड में किसी शिकार का पीछा करते हैं तो उसे परलोक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। लेकिन आज शायद इस चीता की किस्मत खराब थी, जिसके वजह से ये मगरमच्छ का बेहद ही आसान शिकार बन जाता है। दरअसल चीता अपनी प्यास बुझाने के लिए इस झील के पास पहुंचता है, लेकिन इसे इस बात की जरा भी भनक नहीं होती कि पानी की दुनिया का ये रंगदार पहले से ही अपने शिकार के इंतजार में पलके बिछाए बैठा है। और जैसे ही पानी पीने के लिए चीता अपने मुंह को पानी के अंदर डालता है, तभी वहां घात लगाकर बैठा मगरमच्छ जोरदार हमला कर देता है और उसे अपने खतरनाक जबड़े में दबोचकर पलक झपकते ही चीता का काम तमाम कर डालता है। अब आइए जरा लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि बेहद ही क्यूट से दिखने वाले जीब्रा भला इन मगरमच्छों का शिकार कैसे बन जाते हैं। दरअसल क्लिप में दिख रहे जीब्रा की ये टोली भोजन की तलाश में भटकते हुए इस नदी को पार कर रहे होते हैं, लेकिन इन मासूम से जानवरों को ये कहां पता था कि इस नदी में मौत पहले से ही इनके इंतजार में आस लगाए बैठी है। और जैसे ही ये जीब्रा नदी के बीचों बीच पहुँचते हैं, तभी मौत रूपी क्रोकोडाइल अचानक प्रकट होता है और एक जीब्रा के ऊपर टूट पड़ता है, जिससे पहले जीब्रा कुछ समझ पाता या अपनी जान बचाने के लिए कुछ कर पाता, उससे पहले ही मगरमच्छ इसे अपने मजबूत जबड़े में दबोचकर अपना निवाला बना डालता है। बिल्कुल ऐसा ही एक दूसरा मामला विल्डबीस्ट के साथ देखने को मिलता है, जो बिल्कुल जीब्रा की तरह ही भोजन की तलाश में इस नदी को पार करने की फिराक में होते हैं, लेकिन इन्हें शायद एहसास तक नहीं होता कि पानी के दरोगा बाबू से बचकर निकल पाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। और जैसे ही विल्डबीस्ट अपने ग्रुप के साथ नदी को पार करने की कोशिश करते हैं, तभी एक विल्डबीस्ट चट्टानों के बीच में बुरी तरह से फंस जाता है, और जिससे पहले ये खुद को इस आफत से निकाल पाता, उससे पहले ही पानी के दरोगा बाबू यानी मगरमच्छ की वहां एंट्री होती है और अपने सामने पड़े इस लजीज शिकार को देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और देखते ही देखते इस विल्डबीस्ट को अपना टेस्टी नाश्ता बना डालता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूले, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सके।